की बात मध्य प्रदेश की, जहां पर चुनावी साल में मध्य प्रदेश में फर्जी वोटरों के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और तूल पकड़ने के बाद चुनाव आयोग ने इसकी जांच के लिए दो टीमों का गठन किया है। बता दें कि वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी और धांधली को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, सत्यव्रत चतुर्वेदी और सुरेश पचौरी शिकायत करने कल चुनाव आयोग पहुंचे थे। कांग्रेस का दावा है कि मध्य प्रदेश में करीब 60 लाख फर्जी वोटरों का पता चला है। साल के आखिर तक मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने फौरन जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं चुनाव आयोग की जांच टीम आज अलग अलग विधानसभा में जाकर फर्जी वोटरों की पड़ताल करेगी। 7 जून तक फाइनल जांच रिपोर्ट तैयार होगी। मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत एक बेहद गंभीर मामला है। ऐसे में मध्य प्रदेश की मतदाता सूची से जुड़ी शिकायत के तत्काल बाद आयोग ने जांच टीमों का गठन किया है, जिसे 7 जून तक अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपनी है। आयोग ने साफ किया है कि जांच टीम शिकायत के हर पहलू की विस्तार से जांच करेगी और अगर ये जाहिर होता है कि गड़बड़ियों के पीछे सोची समझी मंशा थी तो फिर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।